Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सवित और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में और चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है। उत्तर प्रदेश 75 जिला वाला ऐसा राज्य जहां पर सियासत को जीतना बहुत बड़ी बात होती है। देखते हैं कि किसकी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में आएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपने तरीके से चुनाव को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि किस प्रकार कहाँ पर चुनाव होंगे। तमाम लोग यूपी से यहाँ आते हैं जाते हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार उनका वोट किसको होगा, किस मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। इन तमाम प्रश्नों को लेकर हम जनता से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज पाठक। मनोज जी, चुनाव आ गए उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, हाँ जी। किसकी होगी सरकार? सरकार तो देखिए पता चलेगी, लेकिन योगी जी का व्यवस्था है। योगी जी आज किस मुद्दे पर वोट देंगे इस बार आप? नहीं, इस बार मुद्दे पर वोट मिलेगा तो कानून व्यवस्था के ऊपर मिलेगा और राम मंदिर के ऊपर मिलेगा। तो आपको लगता है राम मंदिर ही से वोट होना इस बार? नहीं, राम मंदिर का होना भी जरूरी है। और तो राम मंदिर तो बन ही रहा है ना? हाँ, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आने वाली सरकारों ने कहाँ बनाया था उसे। अच्छा, तो फिर आपका वोट योगी सरकार? हमारा वोट योगी सरकार। तो भाई साहब, उनका वोट योगी जी को और आपका वोट किसको? मेरा भी भैया योगी जी को ही है। क्या आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं इस बार? मैं इस मुद्दे पे दे रहा हूँ, चोरों की सरकार एक हो गई है। अगर ये ईमानदार होते, वफादार होते तो ये इतनी पार्टियों में पहले दुश्मनी थी, अब एक क्यों हो गई है? योगी जी बेचारे अकेले रह गए, वो साधु महात्मा योगी जी के संग पूरा खड़ा है, पूरे नेता खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, तो और पार्टियों में तो किसी का साथ मिल नहीं जाएगी। सपा पार्टी आपको लगता है भाजपा में आ जाए? सपा पार्टी भाजपा में क्यों आ जाएगी? वो आती तो पहले बढ़िया काम करती, ईमानदारी का काम करती, बता टोटी तक निकाल लेगा। आप योगी को अकेला कैसे देख रहे हैं? योगी जी तो अकेले ही है भाई साहब, कैसे बताओ? योगी जी के साथ कोई सरकार है? कोई नहीं है। साधु महात्मा आदमी नहीं, आगे नहीं पीछे, नहीं ऊपर नहीं नीचे, साधु महात्मा। किसकी सरकार होगी? एसपी बसपा भाजपा कांग्रेस बहमत हो जाएगा। हम तो कट्टर बीजेपी के भाई, कट्टर बीजेपी के। हाँ जी। हाँ, तो क्या 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 बीजेपी कट्टर है, तो क्या देखते हैं बीजेपी में आप? सब कुछ देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है। बताइए कुछ हमारे दर्शकों को, बताइए। दर्शकों क्या बताए, जब अंधे आदमियों को दिखता ही नहीं है तो। अच्छा, दर्शक अंधे हैं? बहुत ऐसे जो अंधे हैं तो नहीं दिखता उन्हें कुछ। तो आपका वोट? हमारा तो बीजेपी का। चुनावी घमासान के बीच जनता अपनी अपनी राय दे रही है। एक तरफ विपक्ष पार्टियां बोल रही है कि सरकार सपा की होगी, सरकार कांग्रेस की होगी, तो एक बार पक्ष रख रहा है कि दोबारा बीजेपी लौटेगी। इन तमाम सवालों के साथ हम जनता से पूछते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तेज लगाए के साथ बने रहिए। यूपी में चुनाव का डंका बज चुका है, किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को। किन मुद्दों पे वोट देंगे? क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है, काफी ज्यादा विकास हुआ है। क्या नाम है? अंशुल। कहाँ से आ रहे हो? एटा से। एटा में क्या क्या विकास हुआ है? एटा में अभी रेल प्रोजेक्ट चल रहा है और बाईपास एक्सप्रेस भी अच्छे से बना है, और पहले एटा में काफी तो गुंडागर्दी थी, बहुत हद तक कम है। आपका वोट किसको इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को। किन मुद्दों पर वोट देंगे इस बार आप? हम दिल्ली में रहते हैं। क्या? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हो, वोट बीजेपी को कैसे दोगे फिर? जब खड़े रहते हैं। अच्छा, किसको, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में इस बार? बीजेपी। बीजेपी। किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी की सरकार। आप किस किन विकास पर आप इस बार वोट करेंगे? नंबर एक तो ये है कि पुलिस प्रशासन है वो काफी बेहतर हुआ है पहले से। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी दिल्ली से हॉस्पिटल गया था, फिलहाल अलीगढ़ में जॉब कर रहा हूँ। तो पुलिस प्रशासन है पहला। दूसरा ये है कि रोडों का विकास हो रहा है, चौमुखी विकास चारों तरफ, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, कनेक्ट विकास हो रहा है अलीगढ़ में। बिल्कुल, रोडों का और पुलिस प्रशासन सभी का अच्छा हो रहा है। किसका, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में इस बार? इस बार सपा की। सपा सरकार। किन मुद्दों पे विकास वोट देंगे इस बार आप? अभी हम तो ये सारी ईंटे रहते हैं, अखिलेश का चल रहा है। बीजेपी से कैसी नाराजगी? अखिलेश ही आएगा इस बार। अखिलेश, बीजेपी से कैसी नाराजगी? नाराजगी कुछ नहीं है, भला अखिलेश का ज्यादा चल रहा है। अखिलेश, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में? सपा की। सपा सरकार। किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? जो बेरोजगारी ज्यादा हो गई, पीछे अच्छे काम करे सपा ने। सपा ने अच्छे काम किए, जो लड़के स्टूडेंट जो थे उनको बेरोजगार हुए बहुत ज्यादा। तो इस बार तस्वीर बदलेगी? जी हाँ। किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी।
ये तो कह रहे हैं सपा, आप बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या विकास किया बीजेपी ने आपके यहाँ? खूब विकास किया, राशन कार्ड देंगे हर वास्ते। अरे खूब विकास किया भैया जी, रोड का भी विकास किया है, सबका विकास किया है। किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी। क्या नाम है? रानी। पढ़ाई करती हो? नहीं छोड़ती। क्यों छोड़ दी? छोड़ती, तबीयत खराब हो गई। अच्छा, किसकी सरकार? बीजेपी सरकार है जी। बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार। हाँ जी जी। हमें मुआवजा दिया, मुआवजा दिया। और क्या दिया है? और क्या दिया? ये योजना थी। काफी क्या क्या विकास हुआ है क्षेत्र में? हाँ जी, क्या क्या विकास हुआ है? कई मकान मिल गए, काफी दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। बीजेपी सरकार? किसकी सरकार भाई? बीजेपी सरकार। किस किन विकास मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? सारा विकास है, सारा विकास। कुछ क्या क्या हुआ आपके? अरे हमारे यहाँ तो रोड बन गए, और भी किसान की जनधन योजना, सारा कुछ हो रखा है। तो बीजेपी की, बीजेपी का पल्ला यहाँ पे भारी नजर देखता नजर आ रहा है। किसका चुनाव इस बार? बीजेपी। किन मुद्दे पर वोट देंगे? मोदी। मोदी को वोट? मोदी के नाम पर वोट या फिर बीजेपी को वोट? बीजेपी के। योगी के नाम पर वोट? योगी मोदी के नाम पर वोट। किसको वोट? वही है, योगी और मोदी दोनों। योगी मोदी। किसको? योगी मोदी दोनों। योगी मोदी दोनों को दोगे? किसकी सरकार? योगी की सरकार आएगी। योगी सरकार? हाँ। योगी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पड़ला भारी नजर आता है, दिख रहा है। अब महिलाओं से जानेंगे इस बार किसकी सरकार बनाएंगी यूपी में? किसकी सरकार इस बार यूपी में? किसको वोट देंगी अम्मा इस बार? योगी। योगी को वोट देंगी? विकास हुआ है आपके यहाँ? हाँ। खुश है? हाँ, खूब खुश। किसको वोट देंगे इस बार उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव को। क्या सियासी घरासन को बदलना चाह रहे हैं? तस्वीर बदलना चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल बदलनी चाहिए, तस्वीर तो बदलनी चाहिए। हर बार कोई ना कोई नया आना चाहिए, नया आना चाहिए। हाँ। किन विकास मुद्दे पर वोट देंगे इस बार? इस बार आप ये मान के चलो हमारे यहाँ पहले आप तो काम नहीं होगा, बीजेपी सरकार ने एक भी काम नहीं किया। सत्यपाल सिंह हमारे यहाँ से विधायक है, अलीगंज विधानसभा 103। इस बार बिल्कुल हमारे यहाँ ना रोड, मतलब सड़क, पानी, बिजली, कोई काम मतलब हुआ ही नहीं। कुछ भी काम नहीं किया बीजेपी? सिर्फ जात देख के ही काम किया कराया गया इस बार, जाति के आधार पर। हाँ, जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया, उनके जैसे गांव उसी हिसाब से काम कराया गया। यादवों के गांव में चले जाओ, कहीं पर भी बिल्कुल भी कार्य विकास कार्य नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? विकास यादव नाम है मेरा। आपका यादव, इसलिए आप चुनाव बिल्कुल अगली बार नहीं, अगली बार को नहीं, मैं तो रामेश्वर सिंह यादव को ही वोट दूंगा। हाँ, इस बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? योगी की। योगी सरकार? किसकी सरकार? भैया की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल ठंडे का टाइम चल रहा है ना, दंगे हुआ करते थे। स्टेशन पर उतरिए, घंटा के स्टेशन पर आइए, रिक्शा वाले आइए, आइए भाई साहब, कहा चमनगंज चलना है, कहा भैया खाली नहीं है क्यों, कल अभी उधर नहीं जाएंगे। लेकिन आज वो सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। इस बार सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से योगी की। योगी की। किसकी देखना चाहेंगे सरकार इस बार? सरकार योगी साहब। योगी की सरकार? किसकी देखना चाहेंगे इस बार सरकार? योगी। योगी सरकार? आपकी सरकार योगी। और बताएंगे किसकी होगी इस बार सरकार? योगी। योगी। तो जनता जनार्दन ने अपना मूड बना लिया है कि उस बार किसको वोट देंगे। वैसे बीजेपी का पल्ला ज्यादा भारी होता हुआ नजर आया, आपने देखा इन तस्वीरों में, लेकिन चुनाव है, पता नहीं किसकी सरकार आएगी। ये सवाल बना हुआ है, 10 मार्च को ये निर्णय हो जाएगा कि सरकार किसकी होगी। तमाम देश दुनिया की जानकारी के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, जमीन स्तर पर देखने के लिए, तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए तेज निगाहें न्यूज़।